पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सभी बैंक खातों और संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश राजद्रोह के मामले में लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मुशर्रफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी सभी संपत्ति अपनी पत्नी और बेटी को तोहफे में दे दी है और तोहफे में दी गई संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। वे फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। अदालत ने आरोपी मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में सुनवाई जारी रखने के अभियोजन की अपील को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मुशर्रफ मार्च 2016 में इलाज कराने संयुक्त अरब अमीरात गए थे और तब वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। प्रोसिक्यूटर्स के वकील अकरम शेख ने कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुशर्रफ के बयान को रिकॉर्ड करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ न तो अस्पताल में भर्ती हैं और न ही उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। गौरतलब है कि मुशर्रफ के साल 2007 में देश में आपातकाल लगाने और संविधान को निलंबित करने के फैसले को राजद्रोह के रूप में देखा गया। नवाज शरीफ ने तीसरी बार पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद जून 2013 में संसद को मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करने के बारे में सूचित किया था। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।